आगरा के ताजमहल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आज मैं आपको ताजमहल से रिलेटेड टॉप 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ताजमहल को महलों का ताज कहा जाता है क्योंकि ये सभी महलों में सबसे खूबसूरत है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था, क्योंकि मुमताज़ की मौत साल 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। नंबर 2, इस तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले नटवरलाल, जिनका असली नाम मिथिलेश कुमार है, वो है। उसने ताजमहल को 3 बार बेचा है। यह ठग नटवरलाल वैसे तो पेशे से एक वकील है, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में कई बड़ी बड़ी चोरियां की है। नंबर 3, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से अगर ताजमहल यमुना नदी के किनारे नहीं बना होता तो कई साल पहले ही गिरकर टूट जाता, क्योंकि ताजमहल का बेस लकड़ी से बना हुआ है, जिसे यमुना नदी का पानी ताजमहल को बहुत नम और मजबूत बनाए हुए है। नंबर 4, ताजमहल का आर्किटेक्चर इंडियन, इस्लामिक और फारसी स्टाइल को दर्शाता है। ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो कि एक फारसी थे। उस समय ताजमहल को बनाने के लिए करीब 32 मिलियन का खर्च आया था। ताजमहल को बनाने के लिए जिन कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो तिब्बत, अफगानिस्तान, अरब और चीन से लाए गए थे। नंबर 5, ताजमहल को बनाने के लिए भारत के साथ फारसी, तुर्की और यूरोप के करीब 20,000 मजदूरों को लाया गया था। साथ ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करीब 1,000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 6, ताजमहल का मेन कारपेट एरिया करीब 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसके मेन गुंबद की ऊंचाई 240 फीट है और चारों मीनारों की ऊंचाई 130 फीट है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो करीब 20 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा है। माना जाता है ताजमहल के बनाने के बाद भविष्य में कभी दोबारा ऐसा महल ना बने, इसीलिए शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ काट दिए थे। नंबर 7, शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए ताजमहल तो बना लिया था, लेकिन क्या आपको पता है शाहजहां अपने दफनाने के लिए भी एक अलग सा मकबरा बनाना चाहते थे, जिसे वो काला ताजमहल नाम देना चाहते थे, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सके और इसके पहले ही मर गए। आखिर में उन्हें मुमताज़ महल की कब्र के पास ही ताजमहल में ही दफनाना पड़ा। नंबर 8, ताजमहल के अंदर कई बेशकीमती पत्थर मौजूद थे, जिनमें से कई कीमती पत्थर तो गायब हैं। माना जाता है साल 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल में लगे हुए कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। नंबर 9, ताजमहल के मेन गुंबद को जो 4 स्तंभ घेरे हुए हैं, जिनकी हाइट 130 फीट है, ये अपनी जगह पर सीधे 90 डिग्री में नहीं खड़े हैं, बल्कि बाहर की तरफ झुके हुए हैं, ताकि जब भी कभी भूकंप आए तो वे कब्र से दूर गिरे। नंबर 10, ताजमहल को देखने का सबसे अच्छा टाइम सुबह और शाम को माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है इसका रंग ग्रे और येलो और चमकदार वाइट कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा माना जाता है ताजमहल का बदलता रंग मुमताज़ के बदलते मिजाज को दर्शाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।